उल्लासनगर के निर्भीड़ पत्रकार शिव कुमार मिश्रा पे हुआ जानलेवा हमला। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि यह हमला अनिल जयसिंघानिया और उनके बेटे अक्षांत जयसिंघानिया ने करवाया है। कुछ दिन पहले शिव कुमार मिश्रा ने अनिल सिंघानिया और उनके बेटे के बारे में अपने अखबार में आईपीएल की सट्टेबाजी के बारे में भंडाफोड़ किया था और उसके तहत थाने क्राइम ब्रांच ने उन्हें 420 के तहत समन बजाया था। उसके लिए तहस में आके अनिल जयसिंघानिया और उनके बेटे ने उन पर हमला करवाया था, जिसमें शिव कुमार मिश्रा घायल हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के तहत अनिल जयसिंघानिया और अक्षांत जयसिंघानिया कट्टर हो गए हैं कि यह अब पुलिस पर भी हमला कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अन्य राज्यों से एक गिरोह बुलाया है, जो कोई इनके काले कारनामों का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा तो फिर चाहे वह पत्रकार हो या पुलिस, उनपे यह बाप बेटे अपने किराए के गुंडों से करेंगे जानलेवा हमला। क्या थाने पुलिस आयुक्त पत्रकारों का सहयोग करेगा या शिव कुमार मिश्रा जैसे निर्भीड़ पत्रकारों पर होते रहेंगे जानलेवा हमले। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि कुछ साल पहले डीसीपी अमर जाधव को झूठे मुकदमे में फंसाया, क्योंकि उन्होंने उसे सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था और उल्लासनगर के क्राइम यूनिट के पुलिस इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग से भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाया गया था, क्योंकि उन्होंने इनके सट्टेबाजी के काम में मदद नहीं की थी। अब आई पत्रकारों की बारी, जिसने इस बाप बेटे के सट्टेबाजी का पर्दाफाश किया तो ये सट्टेबाज करते हैं जानलेवा हमला, क्योंकि ये सट्टेबाज अनिल जयसिंघानिया और अक्षांत जयसिंघानिया बाप बेटे को 1980 जत्था आईपीएस अधिकारी तथा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त का सहयोग मिल रहा है। इनके सट्टेबाजी का रैकेट उल्लासनगर तक सीमित नहीं है, बल्कि पुणे, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, इंदौर तथा गोवा और अन्य कई शहरों में फैला हुआ है।